भारत के लिए दो देशों से आ गई दो भयंकर गुड न्यूज। एक दिलाएगा भारत को यूएनएससी में वीटो पावर, तो दूसरा देगा समंदर में निकला अनमोल खजाना। भारत के लिए एक ही दिन में दो जबरदस्त खुशखबरियां। सऊदी अरब छोड़िए, रूस के लिए खबर कर देगी सबको हैरान। दोस्तों, भारत के लिए एक साथ दो शानदार और जबरदस्त गुड न्यूज हैं, जिन्हें सुनकर भारत के दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है। अमेरिका सन्न रहने वाला है और चीन की तो जैसे आवाज भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी ही है। एक गुड न्यूज है भारत के सबसे अजीज दोस्त इजराइल की ओर से, जिसे समंदर में एक ऐसा खजाना मिला है जिसके लिए दुनिया में मारामारी चल रही है। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी भी असल वजह यही है जो इजराइल को समंदर में मिला है। अब दोस्तों, आप भी कहेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समंदर में जब इजराइल को एक खजाना मिला है तो सबसे पहले उसने भारत को ही मालामाल करने की सोची है। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी गुड न्यूज यूएनएससी में भारत की वीटो पावर को लेकर के और स्थायी सदस्य बनने को लेकर के है, जिसको लेकर भारत को एक बड़ी गुड न्यूज मिल चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की, जिसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिला है, वो भी भर भर कर, जिसका सीधा फायदा अब भारत को मिल सकता है। इजराइल के हाथ लगा दुनिया का सबसे अनमोल खजाना। इजराइल के साथ भारत की भी चमकेगी किस्मत। दोस्तों, भारत के दोस्त इजराइल के हाथ ऐसा खजाना लगा है जिससे उसकी किस्मत अब बदलने वाली है, और हमारे लिए भी ये बड़ी गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि भारत को भी इसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। दोस्तों, जिस ऊर्जा गैस के लिए रूस कभी सऊदी से भिड़ता था तो कभी अमेरिका से, और अभी जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है उसका भी मुख्य कारण गैस और तेल ही है, अब वो खजाना इजराइल को मिल चुका है, और इतना मिला है कि इजराइल की किस्मत रातों रात चमक उठेगी। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि भारत को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब कैसे मिलेगा वो जरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, इजराइल के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय, ग्रीक ब्रिटिश हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और उत्पादन कंपनी एनर्जियन ने ऐलान किया है कि इजराइल में नेचुरल गैस का बड़ा खजाना हाथ लगा है। इस आधिकारिक ऐलान में इजराइल की किस्मत बदलती दिख रही है। जिस क्षेत्र पर प्राकृतिक गैस की खोज हुई है उसे केटलन नाम दिया गया है, जिसे हिब्रू में और का कहा जा रहा है। दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक ये साल 2015 के बाद से इजराइल द्वारा मान्यता प्राप्त पहली प्राकृतिक गैस खोज है, जिस पर ऊर्जा मंत्री इजराइल कार्ट्स ने प्राकृतिक गैस की खोज के लिए एक और औपचारिक पहचान पत्र एनर्जियन के सीईओ मैथ्यू रिगाज को सौंपा है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक ये नया क्षेत्र करीब 68 बिलियन क्यूबिक मीटर का है, और तकनीकी तौर पर इसे मई 2022 में तलाशा गया था। इजरायली तट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में केटलन को छोटा माना जाता है, फिर भी इस क्षेत्र को काफी अहम करार दिया जा रहा है। समंदर के अंदर केटलन गैस फील्ड इजराइल के आर्थिक विकास के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, इस नए क्षेत्र से अलग एफ्रोडाइट क्षेत्र ज्यादातर साइप्रस के प्रादेशिक जल में आता है। एनर्जियन ने साल 2016 में भूमध्य सागर में इजराइल के आर्थिक जल क्षेत्र में कारिश और तानिन प्राकृतिक क्षेत्रों का भी अधिग्रहण किया था। दोस्तों, इजराइल की सरकार ने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की डिमांड की थी, जिससे कारिश क्षेत्र में उत्पादन अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुका है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने भारत को गैस में बड़ी मदद करने की बात कही है, क्योंकि भारत इजराइल की हर मामले में मदद करता है, तो इजराइल भी भारत के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ये गैस का खजाना मिलने के बाद से ही भारत के लिए खुले दिल से गैस का निर्यात करने की तैयारी कर ली है। ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि गैस के लिए भारत फिलहाल दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट है। यानी दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ी ही गुड न्यूज है। और अब आते हैं दूसरी बड़ी गुड न्यूज पर, जो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और वो है यूएनएससी में वीटो पावर को लेकर की। तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया भारत को वीटो पावर देने के लिए आगे बढ़ चुकी है। यूएनएससी में भारत भोकाल मचाए पड़ा है, और अब भारत के साथ में साउथ कोरिया भी आ चुका है। उसने यूएनएससी में जबरदस्त एंट्री ली है, और इस एंट्री में चीन को डर लग रहा है कि ये देश भी अब भारत को ही सपोर्ट करेगा। यानी कि भारत का सपोर्ट करने के लिए यूएनएससी में एक और देश जुड़ चुका है, और इसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 2024-25 के कार्यकाल के लिए दक्षिण कोरिया को अस्थायी सदस्य चुना गया है। दक्षिण कोरिया का यूएनएससी में सदस्यता के लिए चयन ऐसे वक्त में हुआ है जब उत्तर कोरिया
हाल ही में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया की सैन्य हरकतों और इलाके में चीन की ताकतवर गतिविधियों के बीच दक्षिण कोरिया को अब यह मौका मिल सकेगा कि वो अपनी आवाज को यूएनएससी में बड़े ही तगड़े तरीके से उठा सके। इससे दक्षिण कोरिया को ज्यादा फायदा ये होगा कि उसे उत्तर कोरियाई मुद्दे और दूसरे वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को वैश्विक मंच पर उठाने के लिए अपनी पैठ बढ़ाने का बड़ा अवसर मिल जाएगा। दूसरी बात भारत को लेकर की है। भारत और साउथ कोरिया के बीच गहरी दोस्ती है और पहले भी साउथ कोरिया भारत के लिए यूएनएससी में वीटो की मांग को जायज ठहरा चुका है। भारत लंबे वक्त से यूएनएससी में वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप के लिए आवाज उठा रहा है। भारत लगातार कह चुका है कि जिन देशों को वीटो पावर मिला हुआ है वो केवल 5 देश 188 देशों के ऊपर दादागिरी नहीं कर सकते हैं। भारत यूएनएससी रिफॉर्म पर लगातार काम कर रहा है। अब दोस्तों, अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो भारत के हाथ में वीटो पावर भी आ जाएगी। इससे काफी हद तक एशिया में शक्ति का संतुलन बन जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के तौर पर सामने आने लगेगा। और दोस्तों, भारत की बात इंटरनेशनल मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। लिहाजा दोस्तों, अब भारत यूएनएससी के अंदर तेजी से भोकाल काट रहा है। अब तक एशिया को लेकर के कई ऐसे फैसले यूएनएससी में आते रहे हैं जिसमें चीन ने अपनी मर्जी से फैसले किए और पाकिस्तान को उसने बड़ा फायदा पहुंचाया, लेकिन अब भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस का सीधा सपोर्ट हासिल है, लेकिन चीन हर मामले में टांग अड़ा लेता है, जिसका ताबीज बनाने के लिए भारत ने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।